मकैनिकल एंड मशीन सेफ गार्डिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर आल सेफ गार्ड्स इसकी कुछ स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को सेफ गार्ड कर सकते हैं पहली रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है प्रिवेंट कंटैक्ट नंबर टू बी सिक्योर एंड ड्यूरेबल नंबर थ्री प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट नो न्यू हेजर्ट्स अब इन सब का जो मकसद यहाँ पर कामन है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी आप चाहते हैं कि सेफ गार्ड हो मशीन से ही काम करे एम्प्लाई से ही काम करे मशीन ऑपरेटर से ही काम करे तो फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो उस मशीन को ऑपरेट करने के एस ओ पीज़ हैं उनको कंट्रोल किए बगैर अप्लाई किए बगैर आप किसी भी हद हाँ तक उसकी रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते पॉइंट ऑफ ऑपरेशन गार्ड्स पॉइंट ऑफ ऑपरेशन गार्ड्स में डीजिए स्टूडेंट्स तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं नंबर वन फिक्स गार्ड्स पहला पॉइंट इंटरलॉक्ड गार्ड्स नंबर थ्री एडजस्टेबल गार्ड्स अब ये बेसिकली हैं क्या पॉइंट ऑफ ऑपरेशन गार्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ईच विद इट्स ओन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं अगर इसको देखा जाए फिक्स गार्ड्स क्या है फिक्स गार्ड्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि चीज़ें पहले से फिक्स हैं एडजस्टेबल नहीं हैं जो हैं उन्होंने वैसे ही काम करना है इंटरलॉक्ड गार्ड्स वो जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड हैं और टेबल उनको आप लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिवाइसेस अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिवाइसिस कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट वर्कर यहाँ पे मशीन की बात नहीं की गई यहाँ पे इम्प्लाई की बात की गई है कि इम्प्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी डिवाइसिस यूज की जाती हैं ताकि वो जो एम्प्लॉ है उसको सेफ गार्ड किया जा सके द मोस्ट कॉमनली यूज आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग फोटो अलैक्ट्रिक डिज रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइज इलेक्ट्रो मकैनिकल डिवाइस ये तीनों डिवाइस इनका जो टेक्निकल मकसद है वो एक ही है कि किस तरह अपने इम्प्लाई को सेफ गार्ड करना है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिवाइस नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स द मोस्ट वाइडली आर एक्सप्लेन इन दॉलोइंगे पुल बैक डिवाइसेज रिस्टोरेंट डिवाइसेज सेफ्टी ट्रिप डिवाइसेज टू हैंड कंट्रोल गेट्स अब ये यहाँ पे जो पाँच मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं इन पाँचों का जो कामन मकसद है वो ये है कि अपने इम्प्लाई को कंट्रोल कैसे करना है अगर वन बाई वन इनको देखा जा सके तो कोई ऐसी चीज़ है जो पुल बैक कर सके डिवाइस अगर किसी किस्म का कोई इशू पैदा हो जाता है तो उसको पुल बैक करने के लिए उसके पीछे कोई रोक हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे उस चीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है डिवाइसेस किसी चीज को होने से बाज रखना अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि ये सब जो डिवाइसेस हैं सब का एक कॉमन मकसद है कि जो आपका इम्प्लाई है उसके लिए हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए और उससे प्रॉपर वे में काम लिया जाए मशीन गार्डिंग सेल्फ असेसमेंट रिफॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी यूज फॉर कंडक्टिंग मशीन गार्डिंग सेल्फ असैसमेंट पहला क्वेश्चन आर ऑल मशीन

जो मशीन गार्डिंग सेल्फ असेसमेंट्स है उसके रिलेटेड आल मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन बेल्ट्स एंड द निप पॉइंट्स दे क्रिएट प्रॉपरली गार्डेड आल एक्सपोज्ड पावर शिफ्ट्स शिफ्ट्स लोकेटेड लेस देन 7 7 फीट अबव द वर्किंग लेवल प्रॉपरली गार्डेड अब यहां पे जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें इस, इस चीज को ऊपर फोकस किया गया है कि जो चीज किसी हाइट के ऊपर वाक्या है वो डायरेक्ट आपके चेहरे पे बॉडी को इफेक्ट कर सकती है उसके आगे प्रॉपर जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक सेफ किया गया है उसको आर ऑल हैंड टूल्स एंड अदर हैंड ऑपरेटेड इक्विपमेंट इंस्पेक्टेड रेगुलरली फॉर हेजल्ड कंडीशन वो जितनी भी टेक्निकल पॉइंट उसमें हैं या जो चीज़ें पार्ट्स ऑफ मशीनरी हैं उनको बाकायदगी से इंस्पेक्ट किया जाता है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल डी स्टूडेंट्स देना चाहता हूँ जब भी कोई प्लेन एयरबस या कोई भी प्लेन चाहे वो हेलीकॉप्टर है या बोइंग थ्री सेवन जीरो है या किसी किस्म की बड़ी एयर बस है या एयर एम्बुलेंस है जब भी वो एक फ्लाइट करके वापस अपने एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो मुकम्मल उसकी इंस्पेक्शन की जाती है वो तो इंस्पेक्शन क्यों की जाती है उसका ये पॉइंट है जो मैंने फोर आपके सामने शेयर किया है कि जब भी मशीन को यूज़ करना है उस मशीन को प्रॉपर वे में चेक करना है हर पार्ट्स को चेक करना है फिर उसको वर्किंग कंडीशन में ला फिर यूज़ करना है इस कंप्रेस्ड एयर यूज़ टू क्लीन टूल मशीन इक्विपमेंट एंड पार्ट्स रिड्यूस्ड लेस देन 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पीएसआई पर स्क्वायर इंच जो एसओपीज के मुताबिक जितनी भी वो गैस होनी चाहिए हवा का प्रेशर होना चाहिए उसकी मदद से उन टूल्स को नीट एंड क्लीन करना है अगर उनको आप लोग मुकम्मल क्लीन एंड नीट नहीं कर रहे तो चांसेस है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकता है 6 पॉइंट्स आर पावर सास एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट प्रॉपरली गार्डेड यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए लिखे हैं आप इनको देखें इनका जो कामन मकसद है वो एक ही है कि जितने भी टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं पार्ट्स हैं मशीन है मशीन इक्विपमेंट्स हैं या जो एयर प्रेशर उसमें हम डालते हैं ये सब चीजों का मकसद है वो क्या है मशीन गार्डिंग सेल्फ असैसमेंट कि अगर आपकी मशीन की सेल्फ असैसमेंट हो गई क्वेश्चन के आंसर के मुताबिक आप उसको ऑपरेट किया तो ऑटोमेटिकली वो जो मशीन है उसके खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे और हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट आप अपने इंप्लाइज को प्रोवाइड करेंगे आर आल कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर इंस्पेक्टेड रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली फॉर ऑबियस साइंस ऑफ डिफेक्ट डीप रस्टिंगज डू आर इम्प्लाइज हुट काजिंग डैमेज इंप्लाइज जो उस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं वेल ट्रेंड है वेल इक्विप्ड हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन के स्टैंडर्ड से फेमिलियर हैं अगर ऐसा नहीं है नो प्रॉब्लम उनको पहले ट्रेनिंग दें पहले गाइड करें एस ओ पी से फेमिलियर करें उसके बाद उनको वहां पर ड्यूटी असाइन करें करेंडिकली एंड इंस्पेक्टेड इंक्लूडिंग सेफ्टी जो भी सेफ्टी वाल्वस हैं सेफ गार्डिंग के इश्यूज हैं या मशीनरी है प्लांट है इक्विपमेंट है उसके रिलेटेड जो पेडिकल टाइम पीरियड है तीन माह के बाद अगर उसकी मेजर इंस्पेक्शन होनी है तो उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए और आर सेफ्टी वाल्व टेस्टेड रेगुलरली सिस्टमेटिकली एंड फ्रीक्वेंटली इसमें दो चीज़ें हैं अगर एक स्पेसिफिक मुद्दत के बाद उसको चेक करना है तो वो करें अगर उसमें ये लिखा हुआ है एस में तो उसको बाकायदगी से चेक करना है तो अब बाकायदगी से चेक करें अगर वीकली है तो वीकली चेक करें इसका क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि अगर एस ओ पीज़ के मुताबिक वो मशीन ऑपरेट नहीं होगी तो उसके ख़राब होने के चांसेस हैं नंबर वन एम्प्लाई को इंजर्ड करने के चांसेस हैं नंबर थ्री ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का सीरियस इंसिडेंट पैदा होने के चांसेस फीडिंग एंड इजेक्शन सिस्टम फीडिंग एंड इजेक्शन सिस्टम कैन बी एफेक्टिव सेफ गार्ड्स इफ प्रॉपरली डिजाइन एंड यूज अगर फीडिंग और इजेक्शन सिस्टम को सही डिजाइन किया जाए कंट्रोल किया जाए मॉनिटर किया जाए तो काफी हद तक आप लोग चीज़ों को सेफ गार्ड करने में कामयाब हो जाते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ फीडिंग एंड इजेक्शन सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज विद मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीन आर समोलाइज एज फॉलो लेकिन ये चीज़ को जहन में रखें स्टूडेंट्स ये चीज़ें ऑटोमेटिक हैं ये चीज़ें मॉडर्न मशीनरी में यूज होती हैं मॉडर्न इंडस्ट्री में यूज होती हैं मसलन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो वहाँ पे काम मैनअली अक्सर होता है देखा हमने है पिछली कई डिकेट से बल्कि कई सेंचुरी से लेकिन अब उसमें ऑटोमेशन आ चुकी है वही काम आप लोग मशीन से प्लांट से भी कर सकते हैं इसी तरह पहले नंबर पे ऑटोमेटिक फीड है नंबर टू सेमी ऑटोमेटिक फीड है ये नाम से ज़हर है ऑटोमेटिक फीड जो खुद ब खुद काम हो रहा है सेमी ऑटोमेटिक कुछ मैनुअल इन्वालमेंट है कुछ ऑटोमेटिक्स है इसी तरह ऑटोमेटिक इजेक्शन है और सेमी ऑटोमेटिक है खुद ब खुद काम होना और उसमें मैनुअल इन्वालमेंट का होना ये चारों जो पॉइंट्स है इनको हम लोग फीडिंग एंड इजेक्शन सिस्टम बोलते हैं और लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिबोट सेफ यूज़ हो रहे हैं

इम्पैक्ट विद मूविंग द रिबोट आम अगर उसके साथ आम है तो उसको आपने ऑपरेट करना है अगर उसमें तमाम एस ओ पीज के मुताबिक कमांड्स दी गई है तो खुद बुद्ध वो काम कर सकता है और लास्ट इम्पैक्ट विद ऑब्जेक्ट इजेक्टेड और ड्रॉप्ड बाय द रिबोट्स इन तीनों चीज़ों का जो मकसद है वो ये है कि रिबोट काम कर सकता है अफेक्टिवली एफिशेंटली लेकिन उसके लिए भी ह्यूमन माइंड की जरूरत है जिसके बगैर आप उससे रिबोट सेफ गार्ड का काम नहीं ले सकते